हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनेजा चैनल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइनर ब्रांड का ओर्थो हीटिंग जेल बैग। आपने जो है फ्रेंड बहुत सारे चाइनीज ओर्थो हीटिंग जेल बैग पहले भी देखे होंगे, बट ये जो है हमारे पास पहली बार हमने ब्रांडेड खरीदा है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी एमआरपी कंपनी ने जो लिखी है वो 500 रुपए के आसपास है। बेनिफिट है फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलेगी, लॉन्ग हीट रिटेंशन, ये ज्यादा देर तक हीट को रोकेगा। इसमें जो है क्विक चार्जिंग है और ये इजी है और कोडलेस आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि बिना वायर के। ये बिजली कंज्यूम करता है फ्रेंड 420 वाट। तो ज्यादा इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं लिखा हुआ और ज्यादा हम इसमें बता भी नहीं सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम अनबॉक्स करते हैं, अनरैपिंग करते हैं। तो ये इसका बॉक्स हम खोल देते हैं। फ्रेंड्स, आप इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद रिटर्न नहीं कर सकते। तो यदि आपने एक बार इसको परचेज कर लिया तो फिर ये आपका ही हो गया। तो इसको हमने आउट ऑफ बॉक्स निकाला है। इस बॉक्स के अंदर जो है हमें ये एक मैनुअल मिला है, तो वारंटी कार्ड भी होना चाहिए। और ये है, क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर हम सस्ते वाले से देखें तो बहुत ही बेहतरीन है ये टेनोर का। तो इसको हम रैपिंग से बाहर निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो काफी भारी है, जितना ये जैसे सस्ते वाले लोकल मार्केट में मिल जाते हैं उससे ये थोड़ा सा ज्यादा भारी भी है इन द वेट। तो ये हम जो है आपको क्या क्या हमें साथ में मिला है, ये इसको कैसे आपने यूज करना है, इसमें थोड़ा बहुत टिप्स दिए होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप प्रिकॉशन जो है सावधानी से पढ़ लें। और ये इसका शायद वारंटी कार्ड है और इसको हम निकाल कर आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें हमें मिला है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सुपर है, काफी अच्छा है। और इसमें जो है जैसे ये हमारे नॉर्मल जो चाइनीज वाले होते हैं उसमें तो सर ये हल्का सा ये प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया, जबकि इसमें जो है काफी अच्छा मजबूत कह सकते हैं, एक प्रकार का कपड़ा ही कह सकते हैं, उससे भी ये बेहतर है। तो ये कह सकते हैं आसानी से खराब नहीं होगा। यहाँ से जो है आप ये खोल सकते हैं। तो इसको अगर हम खोल कर देखें तो ये इसका पॉइंट है जिससे आप इसको पावर देंगे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आप जो है इसका हम अगर देखें, ये इसके साथ तार आई है, तो ये भी हम आउट ऑफ रैपर निकालते हैं। तो ये तार हमने इसकी निकाल ली है, तो ये आप ये देख सकते हैं। तो पूरी तरह से ये एक अच्छा और ब्रांडेड हीटिंग जेल पैड है और इसको आपने ऐसे चलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम चलाकर देखते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में कितना गर्म हो रहा है, कैसा है ये इस्तेमाल करने पर। फ्रेंड्स, इसको हमने जो है अपने इस पावर से जोड़ दिया है और इसमें पावर मीटर भी लगा दिया, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी एक्चुअल में बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक टाइमर भी रखा हुआ है साथ, और ये हम स्टार्ट कर देते हैं और इधर से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज्यादा है, पर धीरे धीरे ये 450 तक पहुंच जाता है। तो ये हमारा आप देख रहे हैं गर्म होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसको अभी हमने टेस्ट किया था और अनफॉर्चुनेटली जो है ये इतना ज्यादा इफेक्टिवली गर्म नहीं होता जितना ये चाइनीज और सस्ते वाला हो जाता है। तो आपको ये हम टेस्ट करके बताएंगे। तो हमें ज्यादा कुछ मजा नहीं आया और हमें मन कर रहा है कि हम इसको वापस कर दें, और क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल है तो ये हमें अब खरीदना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको चलाए हुए अगर आप देखेंगे, 1 मिनट के करीब होने वाला है। तो अगर आपको हम टेम्परेचर दिखाएं, पहले सराउंडिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, 14 डिग्री के आसपास है और अब देखेंगे आप 31 डिग्री तक जा रहा है। काफी अच्छी बात है कि 1 मिनट में 31 पहुंच गया है। इसकी जो क्वालिटी है बेहतर है, बहुत ही मजबूत है, और यही चीज जो है इसको नेगेटिव पॉइंट भी बना रहा है, क्योंकि इतना मोटा इन्होंने कपड़ा लगा रखा है तो जो हमारा लिक्विड है या जो जेल है वो गर्म तो हो जाता है अंदर, बट उसकी जो गर्मी है वो बाहर इतनी ज्यादा नहीं आती है। वैसे भी जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं आजकल, इस वक्त 14 डिग्री के आसपास है,
तो हो सकता है इस कारण से हमें ज्यादा नहीं लग रहा गर्म, तो हम वेट करते हैं। आप ये देख सकते हैं टाइम, और ये इसकी आवाज आ रही है गर्म होने की। तो जो है हम चेक करते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर हो गया आउटर सरफेस पे, 61 हो गया, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। आप ये देखेंगे तो इसके अंदर एक्चुअल में वाटर होता है, वाटर के अंदर थोड़ा बहुत केमिकल डाल रखा होता है जिससे ये जल्दी गर्म हो सके। तो ये देखिए हमारा ये टाइमर जा रहा है, और आप ये देखेंगे बिजली जो है लास्ट में बहुत ही कम कंज्यूम कर रहा है। स्टार्टिंग में 550 तक जा रहा था, अब जो है सिर्फ ये 120-130 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है, जो कि हमें लगता है काफी अच्छी बात है। और इसमें एक और खासियत है कि फ्रेंड्स इसमें ऑटो कट ऑफ भी है, मतलब एक थर्मोस्टेट लगा रखा है, जैसे टेम्परेचर रीच कर जाएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें तो अभी भी 57 ही दिखा रहा है, 65, तो हमें शायद थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि ये गर्म हो रहा है, शायद फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा था, अब हमें लग रहा है कि ये प्रॉपरली गर्म हो रहा है। तो हम आपको लास्ट पे इसका टेम्परेचर दिखाएंगे, तो फिर से चेक कर लेते हैं, 65 ही स्टेबल है, मतलब 65 से ज्यादा ये गर्म नहीं होगा। तो 2 मिनट बाद हम फिर लौटते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पूरे 5 मिनट चलने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है, और आप ये देखेंगे बिजली अब ये कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर देखें 5 मिनट चलने के बाद जो है अराउंड ये धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे ही जा रहा है अब, क्योंकि ये बंद हो चुका है 1 मिनट पहले ही। तो कह सकते हैं 65 डिग्री टेम्परेचर इसका मैक्सिमम जाता है, तो हम पीछे से बंद कर देते हैं। जब भी आपने इसको यूज करना है इसकी तार को निकाल कर ही करना है, और जब चार्ज कर रहे हो तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो इतनी ज्यादा इसमें गर्मी नहीं है, अगर हम देखें नीचे की तरफ से करना होता है, यहां से आपने करना होता है, तो इतना ज्यादा ये गर्म नहीं है जितना कि ये हमारा जो चाइनीज वाला है। ठीक ठाक प्रोडक्ट है, बट मेरे ख्याल से आप इतने संतुष्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो आप हमारी वीडियो के नीचे दियो लगा के हॉट जेल पैक का जो है लिंक वीडियो के नीचे डाल देंगे, आप वहां से इसको खरीद। ये हमारा जो चैनल है सुदीप तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पे आएंगे।